आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए, क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताएं? मैं सबसे पहले तो बाबा के चरणों में अरदास करूंगा कि बाबा हमारे नरेंद्र मोदी जी को लंबा जीवन, स्वस्थ आयु दे, और जैसे उन्होंने विकास किया, देश का विकास हो और आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने। काशी की जनता प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र, काशी की जनता जो है उत्साहित, किस प्रकार से लोग सर? काशी की नहीं, पूरे देश की जनता उत्साहित है। दिल्ली में 10 गुना उत्साह है। दिल्ली से हम लोग काशी में इसलिए आए हैं कि हम ताकि काशी में आके दर्शन कर सकें और बाबा से हम कह सकें, ये बाबा मोदी जी को हमारा जीवन ले ले, लेकिन मोदी जी को लंबा जीवन। आज आप किनके साथ आए और किस प्रकार से वहाँ से आप चले? ये हमारे साथ दिल्ली के अंदर सड़कों पे बैठ के लोगों के जूते चप्पल ठीक करने वाले, उनके जूतों को चमकाने वाले, जूतों को चमका के उनके व्यक्तित्व को चमकाने वाले, लेकिन आज तक का व्यक्तित्व नहीं चमका। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनका व्यक्तित्व चमके, वो आने वाले समय में इनके पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति मोची ना बने। बहुत पीड़ादायक है आप इनकी कहानी। यहाँ पे हमारे एक मोची आए हैं जगपाल, जो एमए पास है, उनकी जॉब चलने लगी, लेकिन मोची काम करते हैं, धूम में बैठते हैं, 250-250 कमाते, कैसे गुजारा करते होंगे, सोचने वाली बात। बात करें अगर ऐसी सोच आप लोग के अंदर आई, कैसे, क्या सोचा आपने कि गरीब वर्ग को भी देखा जाए और आगे बढ़ाया जाए? उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी दिल्ली में आए थे लगभग 4 महीने पहले, और उन्होंने एक हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था जिसमें ज़्यादातर पिछड़े हुए लोग थे। उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब एक मोर्चे ने जूते पॉलिश कराया, उसकी बनियान फटी हुई देखी, उसका पजामा फटा हुआ देखा, उससे बातचीत की, उन्होंने श्याम जी आप दिल्ली के महापौर, इनके लिए कुछ कीजिए, जो इनके लिए कर सकते कीजिए। हमारे मन में आए थे हम 10-5 हज़ार रुपये दे भी देंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो हवाई यात्रा के आते हैं, इनसे बातचीत हुई, ये बड़े उत्साहित थे, इनको विश्वास ही नहीं हुआ था। जब कल हवाई जहाज में बैठे तब तो इनको विश्वास हुआ, और इनके आँखों में जो चमक थी कल, जो खुशियाँ थी, उन खुशियों को देख के मुझे 10 गुना खुशी मिली है। और मैंने इनको कहा है कि आपके बच्चों को जो पढ़ाई करनी हो, मैं आपके साथ हूँ, जितनी मदद कर सके करेंगे। उनके लिए हम एक लेटर भी लिखने वाले हैं। तो दिल्ली के अंदर टोटल मिला के लगभग 3-3.5 हज़ार मोची हैं। हम चाहते हैं इनको हर महीना कुछ सहायता प्रधानमंत्री मोदी से मिले। यहाँ पे 40 मोची हैं, और ये वही लोग हैं जो सड़कों पे लोगों की पालिश करते हैं। विजय राम जी, गांधीनगर दिल्ली से आए हम, मोची का काम करते हैं शांति मोहल्ले गांधीनगर में। जो 200-250 रुपये है ना कमाते हैं, कि पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ड्यूटी देते हैं, और इसमें है कि 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी दोनों हम विकलांग हैं, इसी में है ना 200-300 में ही है ना अपना गुजारा करते हैं, कि जहाँ तक होते वहीं तक हम इसमें ही जी। अब हम तो यही कहेंगे, हमारे श्याम सुंदर बागा जी लेकर आए हैं, कि कभी ऐसा सपना में देखे नहीं थे, जो प्लेन के है सफ़र करेंगे, इतना तो देखे, जो उड़ते हुए देखे लेकिन बैठे नहीं, लेकिन आज के डेट में है हमारा सपना है ना अग्रवाल जी हमारे पूरा कर दिए, और नरेंद्र मोदी जी के हम यही कहेंगे, धन्यवाद देंगे उनके जन्मदिन पर आए हैं। कि परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम है मोहन राम, मैं मोची के काम करता हूँ। कहाँ पे आप मोची के काम करते थे? गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ और वहीं पे काम करता हूँ, हल्लन चौक पे। कितने सालों से आप मोची का काम कर रहे थे, और क्या आपके जीवन में शुरू से ही आपने मोची का ही कार्य किया? शुरू से ही मोची के काम करके अब अपने बच्चे के गुजारिश करते हैं, परवरिश करते हैं, वही 200-250-300 कमा लेते हैं, इसमें क्या बच्चे का गुजारा होगा, किसी तरह गुजारा हो रहा है। अब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली से यहाँ बनारस आएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे हवाई जहाज़ से मोदी जी के जन्मदिन पे। तो श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने लेके आए हमारे, उनके भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी के भी जन्मदिन पे धन्यवाद करते हैं उनके, बस यही कहना चाहते हैं। क्या खुशी थी, कभी आपने सोचा? कभी सोचे नहीं थे कि कभी नहीं सपने में सोचे थे हाँ कभी सपने में सोचे थे कि हवाई जहाज़ पर चढ़ेंगे, मगर इस बार जो चढ़ के आए हम लोग हवाई जहाज़ पे, बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। लगभग आप लोग कितने लोग आए? 40 आदमी हैं हम लोग, 2 दिन के यात्रा में हम लोग हैं। हमारा नाम रीत लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सर दिल्ली रहने वाले हैं, जुगी में आते हैं, मोची का काम करते सर। मोची काम करते सर 10 साल हो गया, 10 साल हो गए सर, 10 साल से मैं कोई सोचा भी नहीं सर। सर क्या फ़ायदा होगा, 200-250 रुपये काम होता है, क्या फ़ायदा होगा, अपना खाना के बच्चे खिलाऊंगा सर इसमें। इस वक्त हमको बहुत खुशी हुआ मन में सर,
श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने हमको बताया ऐसे से तुमको, उसको लाख शुक्रिया अदा करता हूँ हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य दर्शन किए, मोदी जी को लाख लाख स्वागत करता हूँ। रामपाल जी सबसे पहले तो आप दर्शन, हाँ सब कुछ वस्त्र दिया है जी, चप्पल जूते सर, ए टू जेड सामान दिया है सर, ए टू जेड सामान दिया है, उस चीज के मैं खुशी हूँ, उस बात से मैं खुश हूँ कि हाँ हवाई यात्रा करवाया, पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर तक दर्शन करवाया, गंगा दर्शन करवाया, सारे कुछ सुविधा दे रखा, अभी जो नाश्ता पानी चाय खाना सारे व्यवस्था है, सोने का बिस्तरा उस तरह सारे व्यवस्था कर रखा, होटल बुक करवा रखा सर हमारे लिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में, पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।